please. Ma'am, yahan pe photo kar diji. Ma'am, thoda piche. Ma'am, look here. Arshi ji, right side. Ma'am, right side. Arey bhai, tum jao na. Arshi ji, solo picture. Arshi ji, solo picture. Arshi ji. Haan, ek second. Yeah, ma'am. Arshi bhai. Ma'am, yahan pe. Ma'am, idhar. Arshi bhai, aap kya? Ma'am, yahan. Arshi ji, left me just center. Yeah, ek mera left. एक्चुअली आज जो हमारा बिग बॉस इतना बड़ा जो हमारा सीजन का हिट रहा है और इतने सारे दोस्त बने हमारे, तो हमने उनके लिए ख़ास तौर पर पार्टी दी है कि हमारे जो बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट हैं हम उनको खुश करें और उनके लिए पार्टी दें। वैसे मैं फिनाले से खूबसूरत दिख रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन हाँ बस यही है कि आवाम खुश रहे और यार थोड़ी इज्जतदार खबरें छापा करो। अभी वो थोड़ी बातचीत चल रही है लेकिन इंशाल्लाह जब हो जाएगा पूरा काम तो हम आपको आगे की चीज़ें बता देंगे। तो आज कौन कौन आने वाले हैं पार्टी में? पार्टी में जो हमारे टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं वो सब आएंगे, मेरे जो जो मेरे करीबी दोस्त रहे हैं बिग बॉस के अंदर वो सब आएंगे। पहले आप ही की एंट्री है सबसे पहले तो, क्योंकि होस्ट मैं ही हूँ। मैंने सबको इनवाइट किया है जो जो मेरे करीबी लोग हैं, लेकिन उनकी मर्जी है, उनको आना रहेगा तो हम उनको तहे दिल से उनका इस्तकबाल करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। जी मैंने हिना से बात की लेकिन व्हाट्सएप पे बात हुई मेरी, मैंने उन्हें कॉल नहीं किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शिल्पा उनसे 15 साल बड़ी है, उनकी कोई शादी नहीं होने वाली है। हो जाती है तो? हो जाती है तो देखते हैं आगे क्या होगा, लेट्स सी। देखिए अगर वो सामने नहीं आ रही है तो या तो वो बहुत ज्यादा खुश है या फिर वो बहुत ज्यादा दुखी है। 3-3 लाख रुपए विकास ने दिए हैं, सुनने में आ रहा है क्या खबर है ये सब 3 लाख वाली? विकास आ जाए अभी, उससे पूछिएगा, उसने मेरे अकाउंट में अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है। आवाम तो सबको पता है इस बात का, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो डिसाइड किया जो 6 लाख रुपए हमने उनके लिए, मैंने जो उनको टास्क में जितवाए थे अर्शी की चाहत में, तो उन्होंने हाफ हाफ डिवाइड किया। ज्योति भी आई हुई है, ज्योति से भी प्लीज सवाल पूछिएगा, वो भी आई है अभी थोड़ी देर में, वो भी पहुंच रही है। और अभी क्या करने वाले हैं, अगला प्रोजेक्ट कौन सी फिल्म में आप नजर आएंगे? मैं वैसे मेरे पास बहुत सारे ऑफर आए, हमारे होस्ट के आए हैं, साउथ इंडस्ट्री से आए, तो इंशाल्लाह मैं आपको मूवीज में जरूर दिखूंगी। सलमान के दरवाजे पे गए ये बात? नहीं नहीं मैं आपको क्लियर कर दूंगी, वो 3 साल पुरानी बात है कि मैं और अब मेरी दोस्त कुछ मजाक कर रहे थे बाहर बैंड्रा साइड पर, और हमने एक बुके लेकर सलमान की, हमने कहा दिख जाए, इतनी बड़ी शख्सियत है हमें दिख जाए, तो 3 साल पहले हमने हंसी मजाक किया था, वो अभी दिखा दिया तो मतलब मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन वो 3 साल पुरानी बात है। जीती आपको लगता कि सही डिसीजन था ये, क्या लगता? नहीं शिल्पा जीती है, वो सही डिसीजन है भी और नहीं भी है, क्योंकि शिल्पा ने भी मेहनत की थी लेकिन विकास गुप्ता ने और हिना ने भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मेहनत की थी, लेकिन उसने अलग तरीके से की थी, तो हिना भी डिजर्व करती थी, विकास भी, मैं भी डिजर्व करती थी, मैंने सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट दिया शो के अंदर आप लोगों को। ये सब ड्रामा था क्या, रियल में ऐसे है एटीट्यूड जो दिखता था? नहीं वहाँ पर 100% रियल रहता, 100% सच्चाई रहती है, एक एक लम्हा जो होता है वो बिल्कुल नेचुरल रहता है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं रहता, सब हम लोगों को खुद ही करना पड़ता है, रोना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, लड़ाई भी, आप लोग जानते हैं कि लड़ाई कैसी होती है हम लोगों की। डेफिनेटली मुझे पद्मावत जरूर देखनी है, क्योंकि मुझे दीपिका बहुत ज्यादा पसंद है और संजय लीला बंसाली की मूवीज तो अल्लाह मुझे बड़ी पसंद है। अभी उसका पहला शो चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ थी जी, 8 बजे जी, तो पद्मावत की अगर बात करें जी तो क्या फिल्म रिलीज होगी, आप देखने के लिए पहुंचेंगे? अभी इस वक्त कल
जब रिलीज होगी आपके साथ टाइगर रहने पब्लिक को अंदर। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर देखने चाहूंगी, जरूर देखने चाहूंगी जरूर जी। पैडमैन वो अक्षय आए थे हमारे, जब हमारा फिनाले था तो थोड़ी बहुत स्टोरी हमें समझ में आ गई थी उसकी, लेकिन हाँ वो भी जाऊंगी जरूर। अक्षय ने एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा, उनके साथ रैप हुआ था मेरा अक्षय और सलमान के साथ, वो वूट पर अभी नहीं आया, आई डोंट नो क्यों नहीं आया, लेकिन वो बेस्ट था, बहुत अच्छा था वो। थैंक यू आशी जी। आपने रुके रुके आवाम बीच में बोलोगे बार बार, आवाम सब जानती है, आवाम सब देखती है, आवाम सब जानती है, आवाम सब देखती है, आवाम सब जानती है, आवाम सब देखती है, आवाम सब जानती है, आवाम सब देखती है। हाय कैसे हैं जी? आगे बढ़ा गया बस बोले क्या कहना चाहेंगे अर्शी खान? पार्टी है, पहुंचे हैं आप। अर्शी ने बुलाया है, इतने प्यार से इनवाइट किया तो डेफिनेटली आना था, एंड आई हैव लाइक्ड हर इन बिग बॉस एंड शी इज डन अ वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छी लगी मुझे अर्शी और इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। हर बार आप रिव्यू करते हैं चैनल्स पे, इस बार जो विनर है उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? जो विनर बन गया अब उसके लिए खुश हूँ, बाकी मेरी और भी चॉइसेस थी विनर्स के लिए, अब वो तो जा चुका है, लेकिन विनर जो भी होता है उसके लिए खुश होना चाहिए। अभी शिल्पा शिंदे विनर है और उसके लिए मैं खुश हूँ, बाकी जो बाकी दो थे उनके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, जो विकास गुप्ता है या हिना खान है उन दोनों के लिए भी बहुत खुश हूँ। बाकी बिग बॉस इस बार काफ़ी धमाकेदार रहा, बहुत अच्छा रहा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक आई हैव रियली एंजॉयड बिग बॉस जी। आई एम रियली सॉरी, मैं बिग बॉस का पार्ट रही हूँ और इसके लिए मुझे बिग बॉस के बारे में बात करना अच्छा लगता है, बाकी अगर आप फिल्म की बात कहो उसके लिए और बहुत लोग हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे रिव्यूअर्स हैं, आई डोंट थिंक आई विल एवर रिव्यू अ फिल्म। मैं सिर्फ बिग बॉस पसंद करती हूँ, मैं दो बार बिग बॉस कर चुकी हूँ इसलिए मेरे को बात करना अच्छा लगता है उसके बारे में। जी नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है, मैं हिना को नहीं जानती हूँ और जितना जैसे बाकी सब जानते हैं उतना ही मैं जानती हूँ, और मुझे नहीं पता है कि डिप्रेशन में है हिना, अगर ऐसा है तो आई थिंक शी इज़ अ फाइटर और एक फाइटर नेचर की है, फाइटर एटीट्यूड है उसका, एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा इंसान बहुत लंबे, अगर डिप्रेशन में है भी तो बहुत लंबे टाइम तक कोई डिप्रेशन में नहीं रह सकता है, इट्स जस्ट अ गेम, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिग बॉस में ये है कि आप कितना लोगों का दिल जीतते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर देन रियली जीतना, लेकिन तीनों मेरे हिसाब से तो तीनों ने ही बहुत कमाल किया, इनफैक्ट सबने ही बहुत कमाल किया इस बार। शिल्पा की जीत पर सवाल किया जा रहा है, अर्शी ने बोला कि गलत जीत गई है, कुछ और लोगों का कहना, आपका क्या कहना है इस बारे में? अच्छा ये सच बोल दिया अर्शी ने, ये बोल दिया उसने। देखो मेरे फेवरेट्स कोई और थे, मेरा फेवरेट विकास गुप्ता था, मेरा फेवरेट कहीं ना कहीं मेरी फेवरेट हिना भी थी, और इसके आगे कुछ नहीं कहूँगी, बाकी तो जो जीता है, अब जीतने के बाद आपको ये बोलना कि यू नो वो नहीं जीतना चाहिए था और ये नहीं जीतना चाहिए था, ये गलत होगा, जीतने से पहले आप हज़ार चीज़ें बोल सकते हो लेकिन जीतने के बाद जीतने वाले के लिए खुश होना चाहिए। जी बारे में क्या कहना चाहेंगे, आज पहला शो रखा गया है। आप आपके पर छोड़ती हूँ, आप रिव्यू करना, आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हैं, आई एम श्योर हर चीजों के आंसर्स भी आपके पास जरूर होंगे, आप रिव्यू कीजिएगा, हम जरूर देखेंगे। थैंक यू।
कोई और कुछ नहीं है, फालतू क्वेश्चन करते हैं। मारो, मारो। Have a wonderful time. मैं तो बहुत मस्ती करने आई हूँ, to wish her, bless her, and enjoy. That's all. और आज आपने फिल्म भी की थी और काफी लोगों ने पसंद किया था उस फिल्म को, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? मेरी फिल्म थी सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल्स, एंड बहुत अच्छी फिल्म थी। इट वॉज अ रोड ट्रिप एंड दे वर लाइक 150 और 175 फैंस, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इन द बस फ्रॉम बॉम्बे गोवा टू दिल्ली, सो वी हैड अ वंडरफुल टाइम। सर आप क्या कहना चाहिए आज अर्शी खान का बर्थडे? आवाम की अर्शी का पार्टी है ये, बर्थडे नहीं है, पार्टी है। सो उसने बिग बॉस के उसके सफलता के लिए रखा है, इतने लोगों ने प्यार दिया है और आप लोगों ने उससे बहुत सराहा है, तो उसके लिए पार्टी है और आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। मैं बहुत खुश हूँ डेफिनेटली, और मेरी तरफ से अर्शी को बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने इतनी सारी आवाम का दिल जीता है कि आज आप सब उनके लिए स्पेशली आए हैं और हम लोग भी आए हैं, और डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे, उनको बहुत सारी विशेज देंगे और उनके आगे करियर के लिए उनको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक करेंगे। ग्रैंड फिनाले में आपका जो अपीयरेंस था हमने मिस किया, क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक्चुअली मैंने भी अपीयरेंस अपना मिस कर दिया, बस छूट गया, कुछ लोगों को इतना प्यार मिला कि उन्हें भूल गए, तो इट वॉज ऑल ओके। होता है कभी कभार, हमारे घरों में भी शादी या त्यौहार होता है तो हम कुछ लोगों को भूल जाते हैं, इट्स ओके, इट्स अ चैनल्स डिसीजन। सो आज की पार्टी के लिए आप दोनों कितने एक्साइटेड हैं और क्या कहना चाहेंगे? अभी नाच के अभी ऑफ कोर्स एक्साइटेड है, अर्शी खान का पार्टी है तो सब एक्साइटेड ही होंगे, सब कुछ बता दें। नहीं, कुछ बातें चल रही हैं, जैसे हमारे इंडस्ट्री में होता है ना, पाइपलाइन में है, तो पाइपलाइन में है, बातें चल रही हैं, बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर, और वो भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा आई थिंक आप सबके लिए कि हम कुछ बहुत ही नॉटी चीज के साथ आ रहे हैं। लेकिन कुछ पूछ रहे थे सर, लेकिन देखो तो थैंक यू, बहुत लंबा हो गया।